नमस्कार दोस्तों, मैं कमल लेकर आया हूं आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे होंगे कि मैं किस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो आइए बताते हैं आपको इस काम के बारे में। ये सारे कारीगर जो जुटे हैं, आप जो देख रहे हैं, ये सफाई कर रहा है, वो एक हाई बीम है और बहुत ही वजन वाला बीम है, और इस बीम को सफाई करने में ये कारीगर जान से जुटा हुआ है। फिर ये इस बीम को देखिए जोड़ रहे हैं, दो बीम को। तो कुछ इस तरीके के ही काम होते हैं यहाँ पे, और ये जो काम कर रहे हैं ना, वो एक बेहतरीन और मजबूत वेयर हाउस को खड़ा करने के लिए अपना पूरा मेहनत लगा रहे हैं, जिसको बनाने में कारीगरों की जीतोड़ मेहनत व काम की निपुणता का होना बहुत आवश्यक है। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और बहुत जल्द ही दूंगा इसकी जानकारी आपको। ये देखिए जो हाइट पे काम हो रहा है, कितनी ऊंचाई पे क्रेन लगी है, बास्केट क्रेन लगी है, दिनों रात काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक वर्कर, एक कारीगर जब अपने घर पे महीने के अंतिम में पैसा भेजता है, तो उस पैसे की कीमत को शायद उसका परिवार नहीं समझता है, और कहना तो नहीं चाहिए, और उसको थोड़ा बेहनी से खर्च करता है, पर उसको पैसे को खर्च करने के लिए लोग सोचते नहीं। लेकिन किस कठिनाइयों से ये पैसा अर्जित होता है, कमाया जाता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। जान को जोखिम में डाल के, धूप में, गर्मी में, बरसात में काम करके ये कारीगर जीतोड़ मेहनत करके अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। खैर छोड़िए, वो तो बकरी बात होगी, अलग बात होगी। मैं आता हूँ कुछ जानकारियों के साथ। ये जो काम हो रहा है, उस काम को करने में लगभग अगर देखा जाए तो 20 से 25 मजदूरों का होना आवश्यक है, वो भी ऐसे मजदूर जो अपने इस काम में निपुण हैं। दूसरी चीज़ ये, इस काम में देख सकते हैं आप, ये जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, जो मशीनरी यूज हो रही है, जैसे कि और इस काम को करने के लिए उस इंसान का जानकार होना भी काफ़ी आवश्यक है। तो इस तरीके की काफ़ी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, और प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज़ का बारीक भी बता सकें। आप ये देखिए, ये हम लोग का लगभग आधा तैयार हो चुका है ये बिल्डिंग। ये दूसरी बिल्डिंग देखिए, एक तिहाई तैयार हो चुका है, और ये है लगभग पूरा। तो इस तरीके की कई चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ये पूरा हो गया तैयार, देखा आपने। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस बारे में सारी जानकारी दें, ताकि आपको हमारे वीडियो पे A to Z यानी कि शुरू से अंत तक हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।